तो गाइज ये है स्कॉर्पियो की क्लासिक, दो वेरिएंट के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च कर रखा है। एक तो आता है इसका एस वेरिएंट और एक आता है इसका एस इलेवन वेरिएंट। जो एस इलेवन वेरिएंट है ना उसका तो गुड़गांव हरियाणा में जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 18 लाख रुपए। बाकी जो ये एस वेरिएंट है इसका गुड़गांव हरियाणा में ऑन रोड प्राइस पड़ता है 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए भाई पड़ता है जो जैसे लेते हैं ना कमर्शियल व्हीकल में, यानी कि जैसे टैक्सी वगैरह में लेते हैं उनको पड़ता है 13 लाख। बाकी जैसे प्राइवेट व्हीकल में लोगे तो 50,000 और महंगी पड़ जाती है, यानी कि 13.5 लाख के अप्रोक्स जो आपकी गाड़ी पड़ जाती है। एस वेरिएंट बताऊंगा भाई आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है और इंटीरियर्स में कैसे क्या मिलता है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे इसके अंदर। पहले तो आप देखोगे ना जो रेडिएटर ग्रिल है वो कंपनी ने चेंज कर दिया है इस नई स्कॉर्पियो क्लासिक में। नया महिंद्रा का लोगो आ चुका है और जो रेडिएटर ग्रिल है ये चेंज है। टॉप वेरिएंट में क्रोम के साथ में आती है बट इसमें ना पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में दे रखी है। जो इस गाड़ी की हेडलैम्प्स हैं वो आप लोग को हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों हैलोजन बल्ब के साथ में काम करते हैं। बाकी इनके अंदर ना आपको टर्निंग वाला नहीं मिलता है। जो टॉप वेरिएंट आता है ना इसका S11 उसके अंदर आपको टर्निंग मिल जाते हैं। फॉग लाइट्स इसके अंदर नहीं मिलती है, सिर्फ हाउसिंग सी दे रखी है, बाकी पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है। जैसे जो ये एस वेरिएंट दे रखा है ना इसमें क्या है, जिसके बम्पर दे रखे हैं ना वो सारे आपको अनपेंटेड मिलेंगे, रफ रफ से मिल जाते हैं। ये टॉप वेरिएंट में जाहिर सी बात है वो पेंटेड ही आएंगे। इस वेरिएंट में आप लोग को साइड में फुट स्टेप्स भी नहीं मिलते हैं। बाकी ऐसे जो फुट स्टेप्स नहीं लगा रखे गाड़ी में तो ग्राउंड क्लियरेंस देखने में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। अगर गाइस आप इसका ओनरशिप रिव्यू भी देखना चाहते हैं ना तो वो मैंने बीटेक राइडर वाले चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से जाके इसके अंदर देख सकते हैं। और जो इसकी की है ना कुछ इस तरह की नहीं मिलती है। ये भाई इसके अंदर सेंटर लॉकिंग फिट करवा दी है, RD की ये सेंटर लॉकिंग इसके अंदर करवा रखी है। लॉक अनलॉक का स्विच इसके अंदर मिल जाता है। इस एस वेरिएंट में क्या आप लोग को सिंपल वाली ही की आती है, उसके अंदर सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती है, बट फोल्डेबल की इसके अंदर मिल जाती है। इसमें क्या ही फीचर दिखाऊं, लॉक करोगे भाई एक बार आवाज़ करेगी, अनलॉक करोगे भैया दो बार आवाज़ करेगी। बाकी आफ्टर मार्केट इसके अंदर दे रखी है। जो ORVMs हैं फोल्ड एंड अनफोल्ड तो इसके मैन्युअली होते हैं और जो एडजस्टमेंट है वो इसकी भाई यहाँ से होते हैं जॉयस्टिक के थ्रू, जो कि दोनों तरफ में दे रखे हैं। गाड़ी में क्या है सिर्फ फ्रंट ही डिस्क आता है, पीछे की तरफ गाड़ी में ड्रम ब्रेक आता है। जो टायर सेक्शन इसके अंदर मिल जाता है, इसके ना व्हील कवर्स भी नहीं मिलते हैं, ना कोई अलॉय व्हील्स आते हैं। और टायर सेक्शन जो है इसका 235/65/17 इंच के ही जो हैं इसके अंदर आपको टायर्स मिल जाते हैं। कंपनी ने क्या कर रखा है, जो ये एयर डैम आप देख रहे हो ना ये फेक दे रखा है भाई, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ एक लुक बनाने के लिए ही जो है ये एयर डैम इसके अंदर दे रखा है। रूफ रेल्स भी इसके अंदर नहीं मिलती है, एंटीना भी जो है कंपनी ने नहीं दे रखा है। यहाँ पे आपको साइड में देखोगे ना ये चीज़ दे रखी है ताकि बारिश आएगी आपका पानी जो है पूरा इधर से फ्लो कर जाएगा। राइट साइड में जो दे रखा है ये DEF का टैंक दे रखा है और जो लेफ्ट साइड में इसमें दे रखा है ये आपका डीजल का टैंक इसके अंदर दे रखा है। टेल लैंप जो है इसकी LED में मिल जाती है और जो ये एक्सटेंशन देख रहे हो ये भाई कंपनी ने इसके अंदर नहीं कर दिया है। ये ना आप नाइन सीटर देख रहे हो, जो इसका टॉप वेरिएंट आएगा ना वो आप लोगों को या तो 6 सीटर मिलेगा या फिर 7 सीटर मिलेगा, बट जो इसके यहाँ पे बेस वेरिएंट देख रहे हो ना ये आपको 9 सीटर मिल जाएगा। आगे 2 आ गए, पीछे 3 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, इस तरह से 8+1 9 सीटर टोटली बन जाती है। एस वेरिएंट में कोई आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, ना ही कोई यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, डोर हैंडल ही सिर्फ इसके अंदर मिल जाता है। और जैसे आप चाहते हो ना अपना स्पेस को यूज़ करना, पीछे वाले बूट को यूज़ करना चाहते हो तो ये सीट ऊपर हो जाएगी और यहाँ से आके टकिन हो जाएगी, मतलब ये इसमें रस्सी रहती है देखो ये दे रखी, ये यहाँ से ऊपर करके टकिन हो जाएगी, फिर जो आप इस स्पेस को भी यूज़ कर सकते हो। बाकी भाई ने क्या कर रखा है इसके अंदर आफ्टर मार्केट यहाँ पे स्पीकर्स रखवा रखे हैं। फुट स्टेप इसके अंदर आप लोग को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग ना पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भाई टोइंग हुक भी इसमें प्रोवाइड है और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो यहाँ नीचे की तरफ में मिल जाती है। कोई कैमरा तो भाई कंपनी ने क्या कर रखा है, कॉस्ट कटिंग कर दी, टॉप वेरिएंट में नहीं दे रहे और इस वेरिएंट में भी नहीं दे रहे हैं। डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है, सिर्फ हाई ऑन स्टॉप लैंप ही दे रखा है और वो प्रॉब्लम भाई अभी सॉल्व नहीं हुई है। जैसे आप इसके डोर को बंद करोगे ना देखो ये कितनी ज़्यादा हवा बन जाती है, ये देखो बंद ही नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ना अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। इसके अंदर आवाज़ बन जाती है तो ज़्यादा जोर से जो है इसका डोर बंद करना पड़ता है। यहाँ पे भाई स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट की जो है यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। अभी इंटीरियर से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ दे रखी है। डोर हैंडल्स इसके अनपेंटेड ही मिलेंगे। यहाँ पे देखो भाई टॉप वेरिएंट में क्या है, यहाँ पे आपको ना पावर विंडो के स्विचेज मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में क्या है यहाँ पावर विंडो के स्विचेज जो है आपको बीच में मिलते हैं, चारों पावर विंडो इसके अंदर मिल जाते हैं और डोर हैंडल भी कुछ अलग तरीके के मिलते हैं। इस वेरिएंट में क्या है आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है, बट जो अपोल्स्ट्री है ना भाई इसके अंदर लेदर की अपोल्स्ट्री आ जाती है, ये चीज़ देख रहे हो भाई, जो कि टॉप वेरिएंट में भी लेदर की अपोल्स्ट्री नहीं आती है। इस साइड में मिल जाता है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का नहीं, आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ का, फ्यूल लिड के लिए, लाइट लेवलिंग के लिए, ORVM के कंट्रोल भाई यहाँ से कट गए हैं। और ये है इस साइड में दिया हुआ है इसका हुड खोलने के लिए, फ्यूल लिड का तो मैंने आप लोग को दिखा दिया था। अब इंटीरियर से बताता हूँ,
गाड़ी की चाबी लगा लेते हैं। ये देखो, जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना, वो आपको सिर्फ टिल्ट फर्निशिंग के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं आता है। और हॉर्न सुनो, हॉर्न इसके अंदर डबल ही आता है, जो पंप वाला हॉर्न है वो इसके अंदर में नहीं आता है। ये दे रखा है इसका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, बीच में MID दे रखी है, जो क्या को ऑडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, फ्यूल गेज और आपका टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो कर देता है। ऑटो हेडलैम्प या फिर ऑटो वाइपर जैसी कोई भी चीज़ नहीं आती है। इस वेरिएंट में देखोगे ना तो कंपनी ने भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं दे रखा है। भाई ने क्या कर रखा है, बाहर से ही जो है ये म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करा रखा है। 5,000 रुपये की लगभग कॉस्टिंग आई थी स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम दोनों चीज़ें लगा के। गाड़ी में क्या है, मैनुअल AC दे रखा है और ये दो फंक्शन दे रखे हैं, AC लो, AC हाई, और ये बाहर करने के लिए इसका हैजार्ड लाइट दे रखा है। बाकी ऑक्स, USB वगैरह इस गाड़ी के अंदर में कुछ भी नहीं मिलती है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग भी दे रखी है क्रोम में। दो एयरबैग ही मिलेंगे इसके टॉप वेरिएंट में भी और बेस वेरिएंट में। IRVM इसके मैनुअल डे नाइट मिल जाएंगे। सनवाइजर है ना, इसमें कोई मिरर या फिर टिकट होल्डर नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में सिर्फ मिरर मिल जाता है। और रीडिंग लैंप देखोगे, एक तो यहाँ पे दे रखी है और एक रीडिंग लैंप जो है यहाँ पीछे की तरफ में दे रखी है। चार पावर विंडो स्विचेज यहाँ पे, बट कोई ऑटो अप एंड डाउन नहीं मिलता है। गियर इसका नया कर दिया है और जो ट्रांसमिशन है ना वो भी भाई इस गाड़ी के अंदर नया कर दिया है। 6-speed गियर बॉक्स आ गया है और जैसे आप वाइब्रेशन देखोगे ना भाई, कुछ बिल्कुल भी नहीं आते। देखो स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो 0 vibrations है, 0, बिल्कुल भी नील है, स्टार्ट करते वक्त भी नील है। और जैसे मैं गाड़ी को बंद करूँगा ना, ये देखो बंद कर दिया है तो भी जो है बिल्कुल भी नील है। या आपको हैंड ब्रेक तो पता ही है। ये देखो इसका ग्लोव बॉक्स भाई ठीक ठाक साइज का ही मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड चढ़ाई देखोगे ना, सिर्फ इतनी सी मिलती है। गाड़ी में बैठने के बाद जो पोजीशन है पूरी ऊंची वाली रहती है। बोनट बिल्कुल एज टू एज दिखता है। साइड विंडो से तगड़ा सा व्यू आ जाता है। ओआर भी अच्छे बड़े बड़े दे रखे हैं, बट जो ग्लास वाला एरिया ना ये बहुत छोटा सा दे रखे हैं। और बंद करने के बाद यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाओगे। बाकी इसके अंदर यहाँ पे कोई भी बोतल कैरी करने के लिए होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। टॉप वेरिएंट बता रहा हूँ, खिड़की बंद करने के बाद कुछ भी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़ देखोगे, इसके डोर ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से मिल जाते हैं। तो ये है, ये गाड़ी बाहर से तो भाई एक नंबर की लुक दे देती है, बट जितनी अच्छी है बाहर से है ना, उतनी ही अच्छी अंदर से नहीं लगेगी। मतलब बेकार है यार इंटीरियर जो है गाड़ी का दे रखा है। पीछे क्या है, जो इस गाड़ी का अंडर थाई स्पोर्ट है ना, एक नंबर का मिल जाता है। बट जो गाड़ी के अंदर रेक्लाइनिंग एंगल दिया गया है वो इतना अच्छा नहीं मिलता है। दो इसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 जने गाड़ी में बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देखो रेक्लाइनिंग एंगल थोड़ा सा ज़्यादा से इसके अंदर कर रखा है। सीट 6 फुट से थोड़ी सी भाई पीछे है, तो नी रूम देखो भाई बिल्कुल ख़त्म से हो गया है। सीट को ना थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। बंटी बंटे सीट ने अपनी हाइट का अकॉर्डिंग करिए। अगर ये देखो भाई 5-7 की हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट करते हैं। अगर पहले ये देखो कर दी 5-7 की हाइट अकॉर्डिंग, बिल्कुल परफेक्ट कर ले जैसे तू पोजीशन चलाता है। ये भाई 5-7 के अकॉर्डिंग होने के बाद अब नी रूम देखो, इतना नी रूम दिया गया है। लेग रूम ठीक है, अंडर जिसके रेक्लाइनिंग लगे ना वो भाई बिल्कुल पुअर है। बाकी अंडर थाई स्पोर्ट एक नंबर की है। यहाँ पे पीछे एयर के वेंट्स दे रखे हैं, ग्लास होल्डर भी दे रखे हैं और ग्लास होल्डर भी टेढ़े वाले दे रखे हैं, जो आपके सामान आराम से निकल के गिर जाए। बाकी भाई ठीक है यार, इसमें सेकंड रो का कंफर्ट भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा। बाकी देखोगे ना 13 लाख में गाड़ी जबरदस्त मिल जाती है। इसके अंदर मिल जाता है 2.2 लीटर का नया वाला इंजन, सेकंड जेन वाला इंजन है। और एक और चीज़ देखोगे भाई, सबसे धाकड़ स्कॉर्पियन में भी नहीं मिलती है। इसके अंदर ना आप लोगों को हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, जो कि स्कॉर्पियन में नहीं दिए गए हैं। ये 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 16+ kmpl की माइलेज जो है भाई ओनर इस गाड़ी की क्लेम कर रहा है। भाई यूँ कह रहे हैं भाई तगड़ी एवरेज दे रहे हैं। इसको पावर वगैरह का पता ही है, एक नंबर की इसके अंदर मिल जाती है। तो गाइज ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।